जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम फिर से सीखेंगे कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ ऐसा जो हमारे काम में आए। आज मैं बहुत ही अच्छा टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ आपके लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आइडियाज़ को। इस तरह का बॉक्स हम थ्रेड रखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसमें थ्रेड रखते हैं तो सारे एक दूसरे में उलझ जाते हैं। क्या करेंगे हम इसके लिए? इसके लिए आपको चाहिए बोथ साइड सेलो टेप। इस टेप को हम आधा आधा इंची टुकड़े में कट कर लेंगे और अभी हम इस प्लेट में चिपका के रखेंगे हम इसको। अभी सारे हमने कट कर लिया है, अभी इस बॉक्स में देखो इस तरह से हम चिपका देंगे। ये आसानी से चिपक जाता है। तो चलो अभी एक साइड में जितने चिपकेंगे हम इस तरह से उसको चिपका देंगे, तो एक साइड में 3 आएंगे। तो इसी तरह से हम सारे बॉक्स में कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही नया तरीका है थ्रेड को रखने का, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। तो देखो हमने लगा लिया है इसमें। अभी आप इसमें अपने सारे थ्रेड को अच्छे से रख सकते हो। तो देखो, तो थ्रेड के ऊपर हम थोड़ा सा कट लगा देंगे किसी भी चीज़ के हेल्प से, और इसमें जो धागा है उसको हम अच्छे से इस तरह से रख देंगे हम, तो ये जो धागा है उलझेगा नहीं और ये कहीं इधर उधर नहीं होगा। तो इसको हम इस तरह से लेंगे और इस कट में अच्छे से सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम चिपका देंगे, ऐसा नहीं कि हमें बाद में निकालने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं। इसको आप बहुत ही आसानी से इस तरह से निकाल सकते हो, यूज़ कर लो, फिर आप इसमें इसी तरह से रख दो। तो बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको ये बताया हुआ है थ्रेड रखने का। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना और ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। इसको आप ढक्कन बंद करके कहीं पे भी रख सकते हो, ये बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं और थ्रेड भी हमारा उलझेगा नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा सा मैंने आपको टिप्स बताया। दूसरा जो आइडिया है आपके लिए, आप जहाँ कहीं भी अपने नीडल्स सुई को रखते हो वहाँ पे ज़रूर से एक मैग्नेट रखा करें, ताकि हमारे जो सुई है सारे इसमें चिपके रहें और कहीं गिरे नहीं, इधर उधर हो नहीं, क्योंकि सुई गिर जाने से फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें जल्दी मिलती भी नहीं रहती है। इसीलिए आप ज़रूर इसमें 1-2 मैग्नेट को डाल दें और इस तरह का डिब्बा आप यूज़ करें। ये जो डिब्बा है वो हैप्पीडेंट का है, जो च्युइंगम आती है जो बच्चे लोग बहुत ही खाते हैं। तो ये डिब्बा जब खाली हो जाए तो उसमें आप सुई रख सकते हो, और सुई रखने के बाद अपने हुक बटन्स भी रख सकते हो। अब बारी है आइडिया नंबर 3 की। हमारी जो घरेलू मशीन होती है वो अक्सर हमारे लेगिंग्स, टी शर्ट, जो भी स्ट्रेचेबल कपड़ा आता है, तो चलती नहीं रहती है। क्या करेंगे इसके लिए? तो देखो, इस पे मैं मशीन चला के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी सिलाई नहीं पड़ेगा इस पे, यूं ही फॉल्सी ये चलेगा, इस पे सिलाई पड़ेगा नहीं। इसके लिए आप 1 11 नंबर का सुई जो आता है उसको यूज़ कर सकते हो। नहीं करना सुई का यूज़ तो आप कोई भी सुई लगे रहने दो मशीन में, और आप छोटा सा एक ट्रिक अपनाओ तो आसानी से सिलाई लग जाएगा इस पे। आपको जहाँ भी सिलाई लगाना हो इस तरह से पेपर को रख देना। पेपर रखने के बाद जैसे कोई भी कपड़ा में आप सिलाई लगाते हो उसी तरह सिलाई लगाना, चाहे किसी भी तरह का कपड़ा हो ज़रूर उस पे ये सिलाई पड़ेगा। तो देखो कितनी आसानी से यहाँ सिलाई लग चुका है, और जब सिलाई हो जाए तो पेपर को हटा दो, कोई परेशानी नहीं है। कितना आसान तरीका है ये किसी भी स्ट्रेचेबल कपड़े पे सिलाई लगाने का। उम्मीद है आपको ये भी आइडिया पसंद आया होगा। इस तरह से आप लेगिंग्स पे भी सिलाई लगा सकते हो, टी शर्ट पे भी सिलाई लगा सकते हो। देखो कितनी आसानी से ये हो चुका है।